रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद कई सारी उम्मीदें की गई कि ये खिलाड़ी आएगा टीम के अंदर में, ये खिलाड़ी टीम से बाहर जाएगा, कौन अंदर कौन बाहर इस पर सवाल तो उठे, लेकिन जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन अब जो है हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर चुके हैं रोहित शर्मा और परमानेंट कैप्टन की टीम में आते ही कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी भी होती हुई नजर आ रही है। आज आपको बताएंगे कि आखिरकार वो खिलाड़ी कौन से हैं जिनका पत्ता कटता हुआ टीम से नजर आ सकता है और इसके जिम्मेवार भी वही खिलाड़ी खुद ही हैं जो कि अपने आप को टीम से बाहर करवा लेंगे। दरअसल वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई और टी20 मैचेस खेले जाने हैं और इन दोनों ही सीरीज में आपके पूर्ण कप्तान यानी कि आपके परमानेंट जो कैप्टन है वो रोहित वापसी कर रहे हैं। और ऐसे में मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज जिस पर कि कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो पिछले कुछ मुकाबलों में उनका परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है, औसत लगातार ओडीआई और टी20s में गिरते चले जा रहे हैं, जबकि जब वो चोटिल हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जगह पर आए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें तो 2021 में उनका औसत 62 का था और इस साल उन्होंने सिर्फ एक ओडीआई मैच खेला उसमें 39 रन बनाए हैं और ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है। तो हो सकता है कि श्रेयस की जगह परमानेंटली टीम में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ जाए आपके सूर्य कुमार यादव। दूसरा खिलाड़ी जिस पर गाज गिर सकता है, 5 साल के बाद वापसी करने वाले अश्विन, हो सकता है उनकी जगह जयंत यादव को मौका दिया जा सकता है क्योंकि जयंत यादव ने आखिरी ओडीआई मैच में अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि अभी आने वाले समय में जडेजा भी फिट होकर टीम के अंदर में आएंगे, युजवेंद्र चहल ऑलरेडी टीम में आ चुके हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तो ऐसे में इतने कंपटीशन के बीच में अश्विन का बिना परफॉर्मेंस के बिना विकेट लेते हुए टीम में बने रहना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तीसरे जो खिलाड़ी जो कि टीम से बाहर जा सकते हैं उनका भी नंबर आ सकता है, वो खिलाड़ी कोई और नहीं, वो है आपके भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की बात करें उनका लगातार इकोनॉमी बढ़ता चला जा रहा है, पिछले कुछ सालों से विकेट की जो संख्या है वो भी घटती चली जा रही है, तो ऐसे में उनका औसत जो है वो भी लगातार खराब होता चला जा रहा है गेंदबाजी के मामले में। और जहां पर अगर देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज अभी बेंच स्ट्रेंथ आपके पास है लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे, भूवी के नाम पर कई सारे खिलाड़ी बाहर भी बैठे हैं, ऐसे में भूवी के लिए भी अपनी जगह बचा पाना मुश्किल होगा क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की लास्ट ओडीआई में जब उनको मौका मिला भूवी की जगह पर। उसके अलावा दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी की है, शार्दुल भी आपके पास में ऑप्शन है, तो ऐसे में भूवी का भी टीम से बाहर जाने का जो रास्ता है वो अब कहीं ना कहीं क्लियर होता नजर आ रहा है जैसे ही रोहित शर्मा आएंगे। और एक और परिवर्तन जो होता हुआ नजर आ सकता है वो ये कि वेंकटेश अय्यर को हालांकि बहुत कम मौके मिले हैं लेकिन अगर वेंकटेश अय्यर को अब अगर कहीं मौका मिलता है प्रूफ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि रोहित शर्मा वेंकटेश अय्यर पर से भी अपनी निगाहें हटा लें। और यह भी होता हुआ नजर आएगा आपको कि दीपक चाहर को ग्रूम किया जाए बतौर ऑलराउंडर या शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर के तौर पर ग्रूम किया जाए क्योंकि उधर हार्दिक पांड्या ने भी दावा ठोक दिया है कि वो अब फिट महसूस कर रहे हैं और बतौर ऑलराउंडर खेलने के लिए भारतीय टीम के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, अगर रोहित शर्मा आते हैं आपको क्या लगता है कि और भी कौन सा खिलाड़ी बाहर हो सकता है या आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी बाहर नहीं होगा, आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।